हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और मस्त मम्मी ने बना कर दिया, एक्चुअली अच्छी लग बुला कि नहीं, आज मैं बनाती हूँ नाश्ता, तू रहने दे। तो करेंगे फैन ऑन क्योंकि गर्म हो रहा है, और करेंगे नाश्ता। तो हो चलिए दोपहर, और इनका क्वेश्चन पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। हु इज ट्रू हीरो? ए फाउंडर ऑफ वीडियो गेम्स, बी फाउंडर ऑफ एग्जाम, सी फाउंडर ऑफ BTS। एग्जाम मैं बोलूं? फाउंडर ऑफ वीडियो गेम्स। ओह, अब मस्त फटाफट लंच का टाइम हो रहा है, गर्मा गर्म लंच बनाते हैं। और आज मैंने बनाया स्पेशल पालक पनीर और पराठा, मस्त खाएंगे गर्मा गर्म सबको। पर अरे नीचे उतरो, खाना फिनिश करो, चलो मैं खिला देती हूँ, मैं भी बैठ रही हूँ। अरे इतने में क्या पेट भर गया यार, चलो अब हम खाना खा लेते। ये देखो कैसे खा कर गया ये बच्चा। मेरे को टमाटर नहीं पसंद, सब चीज खानी चाहिए। अरे मैंने आज बनाया बीटरूट का वो। हाँ तो क्योंकि कभी मेरे को पसंद ही नहीं बीटरूट, और मैं जिंदगी में पहली बार बीटरूट की रोटी खा रहा हूँ। तुम खा रहे हो, जबरदस्ती खिलाने के लिए बोला इसके वजह से। मैं जिंदगी में पहली बार भी गंदा लड़का। ये इसका एक ही प्रॉब्लम है, भाजी वाजी खाता नहीं, तो भाजियां भी ऐसे छोड़ के गया। शी कैसे बड़े हो गए तुम, मस्ती दो। चलो अब मैं भी खा लेती हूँ, सबका खाना वाना हो गया है, मैं भी खाना खाती हूँ। तो किचन वगैरह सब क्लीन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी अभी। और हो चली है चाय का टाइम, चाय देते हैं सबको। मम्मी अभी टाइम है चलने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट देखो। रात मेरे साथ गुजार लो भाई, कल नानी के साथ गुजारना। इसे पप्पी ले लिया दादाजी को, मस्त लाइव न्यूज लगा कर देना। क्यों चार्जर ले चलो, चार्जर लेकर चलो मैं। और कल आना नहीं नीचे, मैं आऊंगी ऊपर, कुछ नहीं करने वाली, जो भी करूंगी मैं सुबह पैकिंग करूंगी। अरे बाबा तुम नाश्ता करके चले। हाँ। क्या करेगा नीचे उतर के? मैं बिना नाश्ते के आ जाओगे? क्यों क्या बोलोगी अभी आप? इसीलिए मैं बोलती हूँ इसको जबरदस्ती लेकर जाया करो। क्यों अच्छा नहीं लगता आज बता ही दो तुम कैमरे में, क्यों नहीं अच्छा लगता बता दो, तुम उसको सुधारे तुम्हें फिर नहीं ले जाएंगे। बोरिंग नहीं लगता, मैया पापा नहीं रहते ना, और मेरे को एक तो मन भी नहीं लगता। क्यों? लेकिन जो मैया पापा नहीं रहते इसलिए। तुम छोटी हो गया, और ऊपर से एक तो बचपन से तो वही थे। हाँ। और ऊपर से मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। क्या नहीं, यहाँ क्या मलाई रखते जो ऊपर नहीं है वहाँ तो और अपने मन के रहते हो। हाँ, उधर जो बोलते हैं रात बिरात सब बनाकर मिल जाता है। सुने न कुछ कर, मोबाइल देख रहे हैं, देखते ही रहते हैं। उस दिन बोले भूख लगी तो दादी उठ के तुम्हें दूध चाय पिलाई ना। चलो नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, रहो जिंदगी में ऊपर मत। मैं तो कभी जिंदगी में आऊंगा। गंदा है लड़का। मेरे को ऑफर मिल गया ना एक दिन। ऑफर मिल गया? सुनो बताती हूँ, सुनो तुम्हारे बेटे को ऑफर चाहिए। ऑफर मिला है? क्यों? मेरे को ऐसा कोई ऑफर कर दे कि तुम अभी यहाँ हमेशा यहाँ पर ही रहो, नीचे ऊपर मत जाओ, ये ऑफर कोई इनको दे दो। चलो इनको इनको बाकी के जायदाद से बेदखल भी कर दो। मैया पापा हो रहे हैं तो अच्छा लगेगा। अगर मैया पापा मेरे को इधर अंदर सुना दे तब भी मैं रह लूं। मैया पापा ऊपर हैं तो अच्छा लगेगा। मैया पापा भी ऊपर रहे तब तुम जा सकते हो, जब मेरे को बस मैया पापा के साथ ही रहना है। मेन ये है मैया मेरे को यहाँ सुना दे, इसके अंदर बैठ के सुना दे, मैं सोऊंगा आराम से एकदम।
कैसे कमाने माने जाएंगे तुम्हें छोड़ के? मुझे भी जाना पड़ेगा साथ में। दुनिया बीबी छोड़ के नहीं जाएंगे, माई छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी के लिए बस। इसके बाद हमको थोड़ी पूछेंगे। हर दिन का है, हर दिन सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लड़का सुनने वाले में का नहीं है। See you tomorrow. ऐसा नहीं करने का यार, बड़े हो तुम, इतने प्यार से सब पूछते हैं। इनको वैसे ही चाहिए कि इनको कोई पूछो ही ना। देखो ना, मैंने कहा था कि राजा जी ना पूछो तो अलग बात है। इतना गंदे, इतने गंदे लगते हैं हम सब, क्या तुम्हें अच्छे लगते हो? मेरा मन नहीं लगता हूँ। ये नहीं है हीरोइन? नहीं, ओके चलो जाओ, हो गया मैया पापा, बाय बाय, गुड नाइट। ब्लॉग देखते रहा करो ना उनका। एक काम करते हैं फटाफट, एक आध साल के अंदर ही हम लोग बड़ा घर लेते, सब एक साथ में ही रहेंगे। 3-4 BHK लगेगा अपने को। क्या बोलने का, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है ना, कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स में जो है ना वो सिर्फ 1 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल है। और ऐसा है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से हम लोग सेट होकर आ गए हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ से मेन ये था कि पापा का ऑफिस जो है ना वो यहाँ से हाईवे से वो कनेक्ट करके चले जाते थे, और अभी लॉकडाउन से उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, और बाकी के लोगों के लिए स्टेशन नज़दीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ के यहाँ पर ही रह गए। अब लेना भी अगर पड़ेगा तो कम से कम 3-4 BHK लो, और फिर ये हो जाए कुछ साल में फिर ये भी बड़े हो जाएंगे, फिर इनको भी कमरे लगेंगे। यार बच्चे बड़े होने लगे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत कुछ हो जाता है चेंज, यू नो। अब यही देखना पड़ेगा कि उसको ये है कि हम दोनों भी साथ में रहे, जहाँ पर भी रहे सब लोग एक साथ में रहे, बट कैसे पॉसिबल होगा ये। और अभी जो है ये लोग भी आने वाले हैं, तो कहीं आधे रास्ते में पहुँचे हैं, तो आज मैं शाम को ना एक्चुअली पूरा बिजी हो गई थी, मैंने सबके लिए खाना वगैरह सब बना देती हूँ, फिर धीरे धीरे सब खाना वगैरह बनाया, सबको दिया, कुछ लोगों ने खाया, फिर नाश्ता वगैरह में सब लगी पड़ी थी, तो आज यहाँ पर ही पूरा टाइम ऐसे ही चला गया। अब पैकिंग करनी पड़ेगी, एक्चुअली मैंने किया नहीं बिकॉज सोचा कि मॉर्निंग में कर लूँगी, कल मम्मी के पास जाना है, और जाते हैं 2-4 दिन वहाँ पर भी घूम कर आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। क्रिसमस में गई थी बराबर, क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या था, हाँ दिवाली के टाइम पे शालू फिर से नहीं थी, वो उसका जो एक रस्म रहती है वो बाकी था शादी के बाद जो नहीं हुआ था ना, तो वो फेरे के लिए उसको उस टाइम पर जाना पड़ा था, तो मैं यहाँ पर ही थी, फिर जब वो रिटर्न आ गई थी उसके बाद मैं मम्मी के पास में गई थी, तो दोनों जने अल्टरनेट चलता रहता है ऐसे ही। अब यहाँ पर मम्मी नज़दीक में है तो फिर मैं कभी भी उठ के जाकर मिल सकती हूँ, तो एक दिक्कत नहीं रहता, तो मैं 2-4 दिन में ही रिटर्न आ जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो अब तो मेन ये है कि इनकी वजह से हमको जाना पड़ता है कि नहीं मुझे लेकर चलो, मुझे वहाँ पर मिलना है, सब चिल्लर पार्टी सब वहाँ पर ही, आप वीडियोज़ में देखते रहेंगे जब उस तरफ जाते हैं मम्मी के यहाँ पर, तो सारे बच्चे वहाँ पर, भाई के, भाभी के, इनके बुआ के, तो सब बच्चे वहाँ पर ही रहते हैं ना, तो इसको बड़ा मज़ा आता है। तो सुबह करूँगी मैं पैकिंग वगैरह सब, फिर देखते दोपहर में अगर भाई आया तो ठीक, अदरवाइज फिर मैं इसको लेकर निकल जाऊँगी। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, लाइफ है। एक काम करते हैं, अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नई व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट। तुम लोग अभी से ही काले काले दिख रहे हो यार। काले नहीं, सबसे गंदा टैन हो गया ना। नहीं तो गंजी का जो पट्टा है ना वाइट है, बाकी सब गया ना, सब लाल है। ऐसे ऐसे तू तो अभी गांव भी जाएगी। शी शी शी, क्रीम आइसक्रीम लगा के गए होते, SPF 20। ऐसे ही होता है, इसके लिए बोला था अभी गर्मी में मत जाओ। सबसे अच्छा हुआ हम लोग वो ले लिए स्कूटी, मजा आ गया। अरे स्कूटी लेके तो गड़बड़ किया, धूप में पूरा वैसे ही घुमा है ना। तभी तो ना दो दिन बदली थी, बहुत बदली।